इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में प्राइमरी की का इस्तेमाल और उसकी तश्कील पे बात करेंगे। प्राइमरी की किसी भी डेटाबेस में बुनियादी किरदार अदा करती है। प्राइमरी की के जरिया से हम रिकॉर्ड को यूनिक अंदाज से डिफाइन और आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक टेबल स्टॉक के नाम से बनाते हैं, जिसमें स्टॉक में मौजूद हर एटम को हम एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं, जिसे प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी की को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि रिकॉर्ड को कम वक्त और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सके। मजीद ये कि प्राइमरी की का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड को कम वक्त में एक्सेस कर सकते हैं, जब रिकॉर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा हो। हमारी टेबल की क्यूरी कामयाबी से रन हो चुकी है। अब हम इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड का इंदराज कर लेते हैं ताकि प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ सके। यह सिस्टम नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ है, इसका मतलब है एक रिकॉर्ड स्टॉक टेबल में सेव हो चुका है। मजीद रिकॉर्ड के इंदराज से पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास तीन रिकॉर्ड टेबल में सेव हैं। अब हम प्राइमरी की के जरिया किसी मखसूस रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। अब हम इस टेबल की फिजिकल लोकेशन को भी चेक कर लेते हैं। हमने ये मास्टर डेटाबेस में स्टॉक टेबल बनाया है। डेटाबेस को ओपन करके चेक कर लेते हैं कि वहाँ ये टेबल मौजूद है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि टेबल मौजूद है, इस पे राइट क्लिक करके इसको डिजाइन मोड में ले आएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आइटम आईडी पे चाबी का निशान है जो प्राइमरी की का सिंबल है, और यहाँ पे कोई भी कॉलम नल नहीं क्योंकि हमने क्यूरी में तमाम कॉलम्स को नॉट नल डिफाइन किया था।